बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस। तीसरे टाइम पे हम फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और चौथे टाइम पे फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? सिर्फ सिग्मा का स्क्वायर। जैसे जो कुछ भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसका जो कुछ भी आंसर आता है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हमें क्या मिलता है, वेरिएंस मिलता है। जब कभी भी आपको वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस वहां पे आगे नहीं कहा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करिए, सिर्फ कहा गया है फाइंड द वेरिएंस। जब कभी भी हमें वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट होने के बाद में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएंस। क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर करना है, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। सिग्मा का स्क्वायर कब करेंगे, जबकि हमें सिग्मा की वैल्यू पता होगी, तब हम सिग्मा का स्क्वायर करेंगे। जब क्या हमें सिग्मा की वैल्यू पता नहीं है, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, और बाद में उसका स्क्वायर करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। तीसरे वाला पॉइंट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्या है हमारे पास में, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, बच्चों एक बार देख लीजिए। अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एसए। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। और ये कितना है, यही फॉर्मूला है। फोर्थ वाला है कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमें वेरिएंस का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस। बच्चों ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए कितने बच्चे जाएंगे हमारे पास में, चलिए ठीक है 5 बच्चे जाएंगे। वेरिएंस फाइंड आउट, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए तीन डेटा है हमारे पास में, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। ये तीन डेटा हमारे पास में बराबर है। रॉ डेटा रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा रहता है, पर जैसे फाइंड आउट करना है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर है। उसके बाद में वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस इक्वल्स टू इसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसका स्क्वायर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, एक्स बार एक्स बार एक्स बार सॉरी व्हाट इज द एक्स बार, एक्स बार क्या है, एक्स बार का फार्मूला है, नहीं नहीं एक्स बार मींस क्या है, एक्स बार हम किसे कहते हैं, एक्स बार बोलते क्या, तो जो कमेंट करके बोल दीजिए एक्स बार मींस व्हाट, बोल यार एक्स बार क्या है, तो आगे आ रहा हूं मैं बता रहा हूं। व्हाट इज मीन बाय एक्स बार, आप एक्स बार का मीनिंग बोलिए, सभी बच्चे बोलेंगे व्हाट इज मीन बाय एक्स बार। हाँ बस बोलिए व्हाट इज बाय एक्स बार, तो ये तो आपके विषय में ही है, इसका बहुत सीधा और सिंपल आंसर है विषय में। अभिषेक गुंडे ने आंसर दिया है, हर्ष ने आंसर दिया है, और जादव, जादव क्या कर रहे हैं, जादव का आंसर नहीं आ गया, योगेश X bar means that mean
एक्स बार हम फाइनल किस तरीके से करते हैं, तो एक्स बार के हम तीन तरीके से फाइनल करते हैं। सबसे पहले रॉ डेटा रखने का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लो डेटा वो ट्रेक करने के बाद हमें क्या होता है। तो चलिए बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला, जैसे फॉर रॉ डेटा के लिए फार्मूला, जैसे फॉर मानक का वो डेटा के लिए भी फार्मूला जो दिया हुआ है, वो वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। बाय बाय। ओके बच्चों चलिए बच्चों हो गया ये, चलो अच्छी बात है। चलिए हम रॉ डेटा के लिए प्रॉब्लम को देखे थे, अब यहाँ डायरेक्टली अनुभव डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं देखेंगे, थोड़ा लेवल बड़ा देंगे हमने। पहला प्रॉब्लम है आज का फाइंड मीन एंड Yes, in the standard deviation of following data, जो following data दिए वाला है हमें उसका हमें mean और standard deviation find out। बच्चों अगर ये हम कहते हैं कि find the direct standard deviation, तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है find the standard deviation of the following data। तो जब कभी भी ये problem आएगा तब हमें mean find out करने के लिए नहीं भी कहा गया तो भी हम mean find out कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में मीन नहीं रहता है तब तक हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, बराबर है। क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ एफ आर ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार मींस व्हाट, मीन। जब तक हमारे पास में मीन नहीं है तब तक तो हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए जब कभी भी आपको डायरेक्ट फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाएगा ये नहीं भी रहता है यहाँ, इसको भी हमें फाइंड आउट करना है करना है और रहता है तो भी हमें बहुत फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए आगे प्रॉब्लम में फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स जीरो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप सबने कैलसी साथ में रखनी है क्योंकि जब तक कैलसी नहीं है यहाँ पर बाद में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. The range is 15, 30, 53, 75, 100, 110, 115, 125. आप सबने पांच आंसर देते हैं और आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, हमारे लिए डेटा है इतना अलग अलग नहीं। तो ये जो डेटा है वो कौन से फॉर्म में, अनुरूप डेटा में गिवन डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ
तो सबसे पहले तो हमें यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और अनुरूप रेखा, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो फार्मूला आना चाहिए। तो हमारा फार्मूला क्या है, तो स्क्वायर रूट समेशन ऑफ f बार ब्रैकेट x बार माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f बार। तो ये फार्मूला हमारे जहन में होना चाहिए, तो ये रहेगा। अब सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसका टेबल तैयार करेंगे। तो मार्क्स जो दिए हमारे वैल्यू ऑफ x है, देन आफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ f है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो x बार फाइंड आउट करना है। इस बार के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, समेशन ऑफ f है x है, x है f है, f है x है, ये हो गया। बाद में हमारा एक बार मिलेगा, तो हम सबसे पहले दोनों का सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x है माइनस x बार, बाद में दोनों का स्क्वायर करेंगे x है माइनस x बार होल स्क्वायर, बाद में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे f है ब्रैकेट x है माइनस x बार होल बराबर है। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए 10 20 30 40 50 60 70 आता बच्चों आंसर दिया 623 मतलब बोल रहे 623 का आंसर आता है। तो सभी ने चेक करना है, हर पे सभी ने चेक करना है इसका आंसर वही आता है या नहीं। मेरी आवाज आप तक आ रही है बच्चों? ठीक है ओके। हाँ बच्चों चलिए ये फाइव टू एक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके पास बता दीजिए। 10 इनटू 10 150, 20 इनटू 30 इनटू द 6 600, 10 30 इनटू 53। अरे तुम्हें डायरेक्ट आंसर सांगता है बोला तू,
अरे भैया पहले कैसे बोल रहे हैं, मुझे ये तो बोलिए भाई क्या आपके पास में क्या है अभी ये प्रॉब्लम का क्या था ये करने को क्या कर सकते थे बोलिए बात समेशन आती है 34,990 वही आ रहा है
है
तो यहां पे आप देखेंगे एस ने स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई ये रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर टू रूट टू वाई टू पॉइंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओके ये समझ में आया क्या? प्लीज कमेंट कीजिए। हेलो गाइस, ये पूरे कैलकुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करने पड़ते हैं, ये तो ये होते नहीं है वैसे। ये आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? तो ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, या फिर 6 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है? 4 या 6 मार्क्स के लिए। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन और सिर्फ 4 और 6 मार्क्स के लिए? बच्चों जब कभी भी आने पास होने के लिए 4 या 6 मार्क्स रहते हैं या मिलना चाहते हैं तब आप उनकी वैल्यू पता होगी। इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास में कैलसी होगी और कैलसी आप जितनी बार हैंडल करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो आपने 200 मीटर आप ऐसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना समय हमें 40 मिनट्स लगे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको क्या देर लगती है और नहीं लगेगी आपको बताया आपको, ठीक है? तो अभी आज का जो लेक्चर है हमारा वो आप सबको समझने के लिए आया होगा इस तरीके से देखते हो उसको। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। मैं एक प्रॉब्लम सुबह स्क्रीनशॉट सॉरी मैं आपको एक प्रॉब्लम कवर किया आपको बुक में डाल दूंगा तो आप सब लोग सॉल्व करें। थैंक यू, अब हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे मिलेंगे। हां, और एक इंपॉर्टेंट बात है मैं आप सबको बताऊंगा, आप सब ने जो रिस्पांस करने आपका कॉलेज का जो ग्रुप है अभी आपका बहुत सी ब्रांच कंप्लीट है तो मदद करने में कंप्यूटर ब्रांच एक मिनट